इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग करने के बाद अब मालदीव भारत के साथ हुए हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। गुरुवार देर रात मालदीव सरकार ने इस एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करने का फैसला किया। एग्रीमेंट 7 जून 2024 को एक्सपायर हो जाएगा। ईयू के नेता यूक्रेन को सदस्यता देने वाली प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं। गुरुवार देर रात ईयू के 27 सदस्य देशों की समिट हुई। इसमें यूक्रेन और मोल्दोवा को सदस्य बनाने की प्रोसेस शुरू करने पर सहमति बनी। 27 में से 26 देशों ने यूक्रेन को सदस्य बनाने के पक्ष में वोट किया। जेमिनिड मीटियोर शावर गुरुवार रात में अपने पीक पर रहा। इसे 15 दिसंबर की सुबह तक आसमान में देखा गया। इस खगोलीय घटना को देखने के लिए किसी विशेष उपकरण की जरूरत भी नहीं पड़ी। संसद में घुसपैठ केस के मास्टरमाइंड ललित मोहन झा ने गुरुवार देर रात दिल्ली पुलिस थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने ललित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वह महेश नाम के एक व्यक्ति के साथ दिल्ली के कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन पहुंचा था। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव बुरी तरह से हारने वाली कांग्रेस पार्टी ने संगठन के नाम पर थोकबंद नियुक्तियां करना शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पिछले 2 दिन में इंदौर में 6 कार्यकारी शहर अध्यक्षों को नियुक्त किया है, जबकि 1 शहर अध्यक्ष और 1 शहर कार्यकारी अध्यक्ष पहले से ही मौजूद है। दिसंबर का तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है, लेकिन ठंड के तेवर नरम गरम ही चल रहे हैं। बुधवार की रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात थी। इसके बाद फिर मौसम में बदलाव आया। गुरुवार को दिन भर धूप रही। इस दौरान दिन और रात के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस उछाल रहा। भारत ने T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 106 रन से हराया। यह टीम इंडिया की T20 में साउथ अफ्रीका पर सबसे बड़ी जीत है। पिछली सबसे बड़ी जीत 88 रन की थी, जो टीम इंडिया ने राजकोट में हासिल की थी। 2 बार के विश्व कप विजेता कप्तान MS धोनी की नंबर 7 जर्सी अब किसी अन्य भारतीय क्रिकेटर के लिए उपलब्ध नहीं होगी। BCCI ने इसे रिटायर करने का फैसला किया है। धोनी के इंटरनेशनल रिटायरमेंट के करीब 3 साल बाद BCCI ने यह फैसला किया। बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े को कल यानी 14 दिसंबर की शाम को दिल का दौरा पड़ा। श्रेयस का मुंबई के अंधेरी पश्चिम में बेलेव्यू अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। भारतीय मूल के कैनेडाई फिल्मकार तरसेम सिंह की पंजाबी फिल्म डियर जस्सी को सऊदी अरब के जिद्दा में आयोजित 3rd रेड सी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार सिल्वर यूजर अवार्ड प्रदान किया गया, जिसके तहत उन्हें $30,000 का कैश प्राइज भी दिया गया।